मुहर्रम को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त नमन प्रेश लकड़ा ने की। बैठक में जिले के विभिन्न अनुमंडलों से आए शांति समिति के लोगों ने भाग लिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने शांति समिति के सदस्यों से शांति के साथ पर्व मनाने को लेकर आश्वस्त किया। इस दौरान शांति समिति के लोगों द्वारा साफ सफाई, पेयजल एवं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर भी चर्चा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त नमन प्रेश लकड़ा ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी शांति समिति की बैठक अवश्य करें। वहीं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्र के असामाजिक तत्वों के विरुद्ध धारा 107 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस मार्ग से मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा, अनुमंडल पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी उस पथ का भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन कर ले। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि सभी संवेदनशील स्थानों का विशेष निगरानी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप समेत सभी सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग किया जाएगा। उन्होंने सभी थाना प्रभारी एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी इसके लिए सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन के साथ एक बैठक करने का निर्देश दिया। उन्होंने भ्रामक खबर और अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने सभी अखाड़ा कमेटी को अपने निर्धारित रूट से जुलूस निकालने का निर्देश दिया। साथ ही अखाड़ा में आग और एयरगन के प्रदर्शन पर रोक की बात कही। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, शांति समिति के सदस्य सहित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित थे।